राधे राधे दोस्तों, जय माता जी की। आज मैं आपको श्री धाम वृंदावन के वैष्णो मंदिर के दर्शन करवा रहा हूँ। वैष्णो मंदिर प्रेम मंदिर के रास्ते में ही पड़ता है। इस मंदिर में माता वैष्णो देवी की लगभग 141 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। वैष्णो मंदिर लगभग 11 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें बहुत सारे दर्शनीय स्थल हैं, जैसे गंगा माता का मंदिर, यमुना माता का मंदिर और गुफाएं, जिसमें नौ देवियाँ, भैरव बाबा और गणपति भगवान विराजमान हैं। मैं आपको पूरी गुफाओं के और पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगा, तो वीडियो को आखिर तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। चलते हैं माता के मंदिर के अंदर और दर्शन करते हैं। यह विशाल प्रांगण है माता के मंदिर में, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर और हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। यह एक बहुत ही बड़ा प्रांगण बना हुआ है। देखिए माता जी की मूर्ति लगभग 141 फीट की विशाल सुंदर मूर्ति है, बिल्कुल जीवंत मूर्ति है। ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात माता देखो खड़ी है। ये देखिए, ये है यमुना माता का मंदिर। यमुना जी बनी हुई है, यमुना जी की। और सामने है माता वैष्णो देवी का मंदिर, श्री माता वैष्णो देवी का मंदिर इसमें लिखा है। यह पर्वत बना हुआ है, पर्वत के ऊपर साक्षात माता विराजमान है और माता के चरणों में हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं। यह मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर एंट्री करते हैं। देखिए बहुत सुंदर, इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है और लाइटिंग में कितना सुंदर चमक रहा है। देखिए बहुत सुंदर नज़ारा मंदिर का। आगे चलते हैं, देखते हैं साक्षात माँ वैष्णो देवी विराजमान है। ये रेलिंग लगी हुई है, यहाँ से देखिए देवी के दर्शन करिए, साक्षात माता वैष्णो देवी के दर्शन करिए। बहुत सुंदर अद्भुत प्रतिमा लगी हुई है माता की। पूरे मंदिर में सारे जितने भी 36 करोड़ देवी देवता हैं, सबके दर्शन हो रहे हैं। बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा। लोग अपने मोबाइल के और कैमरों में इस नज़ारे को कैद कर लेना चाहते हैं। देखिए बहुत सुंदर। अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर सुंदर सुंदर झांकियाँ हैं और तस्वीरें लगी हुई हैं। सबसे पहले गणपति भगवान विराजमान हैं। देखिए ये गुरु नानक देव जी की एक झांकी है, के आगे कृष्ण राधे की झांकियाँ हैं। देखिए सुंदर सुंदर झांकियाँ, ये बजरंगबली पर्वत लेकर जा रहे हैं जब लक्ष्मण को तीर लगा था। देखिए सुंदर सुंदर तस्वीरें लगी हुई हैं, बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। मैं आपको यहीं से सब कुछ दिखा दूंगा। यदि आप किसी कारण से माता के दर्शन नहीं कर पाए तो यहीं दर्शन कर लीजिए, और जब भी आपको मौका मिले तो वैष्णो मंदिर घूमने जरूर से जरूर जाए। बहुत सुंदर मंदिर है। इस मंदिर को देखने से मन को तसल्ली और शांति मिलती है। सफेद कलर, सफेद संगमरमर का बना हुआ है पूरा मंदिर। बहुत सुंदर है, पूरी परिक्रमा माता की लगा रहे हैं। इस परिक्रमा में सारे देवी देवता, द्वापर युग, त्रेता युग और सबकी झांकियां इसमें लगी हुई हैं। पूरा मंदिर पिलरों पे खड़ा हुआ है, खंभों पे। देखिए ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे हुए हैं और ये गोवर्धन पर्वत की झांकी है, सुंदर झांकी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया।
भगवान शिव की, जो भगवान शिव की जाती है कैलाश पर्वत की, स्टोरी का यह दरवाजा है। ये श्री राम दरबार की है, या कि इसमें राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, माता सीता और हनुमान जी विराजमान हैं। ये देखिए भगवान विष्णु, साईं बाबा, और ये एग्जिट का रास्ता है, यह मंदिर से बाहर निकलने का रास्ता है। अब यहाँ से बाहर जाकर मैं आपको गुफाओं के दर्शन भी कराऊंगा, जहाँ पर माताओं के नौ स्वरूप विराजमान हैं। एक एक स्वरूप के आपको बहुत अच्छी तरह दर्शन करवाऊंगा। ये तो अपन निकला है बाहर ही। माता के मंदिर से बाहर निकलने के बाद यह गंगा माता का मंदिर है। देखिए गंगा माता विराजमान है, गंगा माता का मंदिर है। और ये द्वारा वही प्रांगण में हम आ गए, सामने जमुना माता का मंदिर है। अब हम माता की गुफा में प्रवेश करते हैं। यह गुफा एंट्री द्वार है, यहाँ से गुफा में हम अंदर प्रवेश करते हैं। जोर से बोलो, मिलकर बोलो, यह माता की गुफा का प्रवेश द्वार है। नीचे गुफा में गंगा जी बह रही है, देखिए सीढ़ियों से उतरते हुए गुफा के अंदर आते हैं। गुफा में बहुत अंधेरा है, माता की गुफा में प्रवेश कर चुके हैं, आगे चलकर देखते हैं। सबसे पहले गणपति भगवान के दर्शन होते हैं। गणपति भगवान रिद्धि और सिद्धि के साथ विराजमान हैं। देखिए अद्भुत गणपति भगवान के दर्शन, और यह पूरी डिटेल भी लिखी हुई है यहाँ पर श्री गणेश जी महाराज की। ये देखिए श्री गणेश जी का मूल स्वरूप माना जाता है, मतलब लिखा गया, पढ़ सकते हैं। फिर थोड़ा आगे चलते हैं तो माता के दर्शन होते हैं। देखिए माता के प्रथम स्वरूप के दर्शन, हनुमान जी महाराज विराजमान हैं उनके चरणों में। बोर्ड पे क्या लिखा है पढ़ते हैं, माँ वैष्णो देवी सेरा वाली संकट हटने वाली, आप पढ़ सकते हैं से रुक कर, पूरी डिटेल मूर्ति के बारे में लिखी हुई है। अब हम आगे चलते हैं। ये देखिए बैल पर माता विराजमान हैं। शैलपुत्री, यह माता का प्रथम स्वरूप है, अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती है। शैलपुत्री माता का यह स्वरूप है। इसके आगे माँ ब्रह्मचारिणी, यह माता का दूसरा स्वरूप है, जिन्होंने हाथ में कमंडल लिया हुआ है। ब्रह्मचारिणी यह नव दुर्गा में दूसरा रूप है माता का। इसके बाद हम जाते हैं, यह माता का तीसरा स्वरूप है, अद्भुत स्वरूप, सिंह के ऊपर माता विराजमान है। देखिए चंद्रघंटा, यह माता जी का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। मूर्तियों के बारे में डिटेल भी लिखी हुई है, आप इसे रुक कर पढ़ सकते हैं। यह माता का चौथा स्वरूप, देखिए कमंडल भी हाथ में लिया हुआ है माता ने, सिंह पर विराजमान है। कूष्मांडा, माता के चौथे स्वरूप का नाम कूष्मांडा है। यह माता का चौथा स्वरूप इस गुफा में बना हुआ है, बहुत सुंदर गुफा है। इसमें माता के सभी स्वरूपों के दर्शन आपको हो जाएंगे। और पूरी गुफा में नीचे गंगा माता बह रही है, देखिए पानी आपको दिख जाएगा बहता हुआ। अब यह पहली गुफा है, हम इस गुफा से बाहर निकलेंगे और माता के बाकी स्वरूप दूसरी गुफा में दर्शन होगा। ये देखिए सीढ़ियों से पानी बह रहा है, इससे गंगा माता भी कह सकते हैं, गंगा माता बह रही हैं सीढ़ियों से। अद्भुत, बहुत सुंदर गुफा, अद्भुत अद्भुत दर्शन माता के, सभी देवियों के दर्शन आप यहीं कर सकते हैं। गुफा से बाहर निकले तो यह माता की जो विशाल प्रतिमा लगी हुई है, बड़ी प्रतिमा, इस प्रतिमा की परिक्रमा का मार्ग है। ये देखिए इस माता की विशाल परिक्रमा का मार्ग है, देख सकते हैं। ये जो प्रतिमा मूर्ति बनी हुई है 141 फीट ऊंची, जो माता की मूर्ति है, जीवंत मूर्ति। अब हम इसके परिक्रमा लगा रहे हैं मूर्ति के। इसके परिक्रमा लगाने के बाद में हम गुफा में दोबारा प्रवेश करेंगे। पत्थर की नहीं है ये, देखिए विशाल प्रतिमा के पीछे हम खड़े हुए हैं, पत्थर की नहीं है, माता के नीचे। आजकल बहुत चीज बन, बहुत विशाल प्रतिमा है। अब हम दूसरी गुफा में प्रवेश करेंगे। ये गुफा का प्रवेश द्वार है, यहाँ से हमें बाकी बची हुई पांच माताओं के दर्शन होंगे। चलो चलो
सीढ़ियों से हम नीचे उतर रहे हैं और ये गंगा माता सीढ़ियों पर बहती हुई, बहुत तेज पानी बह रहा है देख सकते हैं आप। और उत्तर पकड़ को उतरने के लिए रेलिंग भी लगी हुई है ताकि कोई चले ना और दुर्घटना ना हो। पूरी गुफा बनी हुई है, बहुत सुंदर सीढ़ियाँ देखी हैं, बहुत सुंदर सीढ़ियाँ भी लग रही हैं। आगे चलते जाइए, जय माता जी बोलते जाइए और आगे चलते जाइए। बहुत सुंदर, अद्भुत। जो लोग वैष्णो देवी नहीं जा सकते वो लोग वैष्णो माता के दर्शन वृंदावन में ही कर सकते हैं। बहुत सुंदर दर्शन है माता के, और यहाँ से दोबारा माता जी के दर्शन स्टार्ट हो जाते हैं। यह माता का पांचवा स्वरूप देखिए, यह माता का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। यह माता का पांचवा स्वरूप है, इन्होंने कुमार कार्तिकेय को अपनी गोद में बिठा रखा है। जो कार्तिकेय की माता है वह स्कंद माता कहलाती है। यह माता का छोटा स्वरूप, छोटे स्वरूप के दर्शन आप कर सकते हैं। बहुत सुंदर अद्भुत दर्शन। कात्यायनी माँ, कात्यायनी माता के छोटे स्वरूप का नाम है कात्यायनी। इसके बाद माता का सातवा स्वरूप देखिए, गधे पर विराजमान है माता। कालरात्रि, सातवें स्वरूप का नाम माता का कालरात्रि है। सारी डिटेल्स भी इसमें लिखी हुई हैं, आप इसे पुश करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। और यह आठवां स्वरूप माता गाय पर विराजमान है। महागौरी, महागौरी माता का आठवां स्वरूप है। इसके बाद में माता के नौवें स्वरूप के जो दर्शन आप करेंगे, देखिए कमल के आसन पर विराजमान है माता सिद्धिदात्री। यह माता का नौवां स्वरूप है। इसके बाद में स्वान के आसन पर विराजमान भगवान भैरव की भी मूर्ति लगी हुई है। भैरव बाबा ही लगे हुए हैं, ये देखिए श्री भैरव जी। श्री भैरव जी के शरीर के श्याम अंग हैं, ये चार भुजाएं हैं। सारी डिटेल भी इसमें लिखी हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं और हम गुफा से बाहर का रास्ता है, देखिए फिर से सीढ़ी पर ऊपर चढ़ते हैं और गुफा से बाहर निकलने का ये रास्ता है। दान पात्र लगा हुआ है, इसमें कुछ थोड़ा सा दान डाल देता हूँ मैं। जय माता दी बोलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों हम मंदिर से बाहर आ गए हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। मैं आपको ऐसे ही मंदिर और टेम्पल्स लेकर जाता रहूँगा। और हाँ बेल आइकन को दबा दें जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके।